गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ। और देखिए, ये सुंदर सा इम्पेशन के फ्लावर के साथ मैं वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था अपने बहुत सारे प्लान्स के हॉल का, उसके टाइम मैंने दिखाया था कि मेरे घर में ब्लैक ब्लॉक्स वगैरह लगाने का काम चल रहा, माल वगैरह पड़ा हुआ था और उसी दिन से काम स्टार्ट हो गया। तो काम के बीच में मेरे सारे प्लान्स एक जगह रखे हुए थे और बहुत ही गर्मी पड़ा उस टाइम में, लाइक इतना गर्मी हम लोगों के इधर नहीं होता जितना हुआ। तो मेरे प्लान्स पूरे धूप में थे, इंडोर नहीं मेरे मतलब छाया वाले प्लान्स भी थे, और फिर बहुत सारे प्लान्स मेरे सूख भी गए हैं जिनको अभी मैं रिकवर करना स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी ब्लॉक वगैरह लग गया, एक साइड में लग गया, बाकी थोड़ा बहुत काम बाकी है और ग्रास लगाने का काम अभी बाकी है। मैं अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो बनाया नहीं, तो ये वीडियो में थोड़ा अपना गार्डन भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि देखिए, अरेंजमेंट पूरा किया नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये काम कंप्लीट हुआ है ईद से एक दिन पहले, क्योंकि जो मिस्त्री लोग थे वो ईद में घर चले गए। उसके बाद मुझे लेबर वगैरह भी कोई हेल्पर नहीं मिला, तो मैं खुद ही थोड़ा बहुत एवरीडे 4-5 टब इधर से उधर रख के थोड़ा अरेंज कर रही थी। तो अभी अरेंज कर फुल जो अपना गार्डन सीजल होने में अभी भी मुझे 15 डेज या 10 डेज लग जाएगा। तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको ऐसे ही दिखाऊंगी, और फिर जो प्लांट्स मैंने पहले दिखाया था उसका पॉटिंग कैसे किया कि नहीं वो दिखाऊंगी। और फिर मैं 15 अगस्त को थोड़ा हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, तो मैंने आदत से मजबूर होकर कुछ प्लांट्स लिया जिसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया नहीं, और मैं एक्चुअली भूल भी गई हूँ कौन सा प्लान मैंने लिया है। तो जो जो याद है मैं आपको दिखाती जाऊँगी। अभी जो लेंटेना दिखाया वो मैंने कटिंग से डेवलप किया है, और ये दोनों भी कटिंग से डेवलप किया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और ये देखिए, जांजीबार पम भी मैंने पॉटिंग कर दिया जो आप पहले दिखाया था ख़रीदने के टाइम पर। सो और फिर कल मैं बहुत सारे बड़े जो ह्यूज साइज़ के कुछ प्लांट्स मैं लाई हूँ, तो वो भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और पुराने वाले लाइक पिछले एक्चुअली 3 बार मैं नर्सरी गई हूँ इन बिटवीन, जो जब जितना टाइम मैंने वीडियो बनाया नहीं, तो उस 3 बार में मैंने क्या क्या प्लांट्स लिया है मुझे सारा तो याद नहीं है। और क्या हुआ, कभी कभी ला के एक साइड में मैंने रख दिया छाया में, फिर मैं कंफ्यूज भी हो गई हूँ। कुछ का मैंने पॉटिंग कर दिया, कुछ का अभी बाकी है। सो मैं अभी लाइक आप लोगों को जो जो कल मैंने लिया है वो भी दिखाऊँगी, थोड़ा गार्डन भी दिखाऊँगी। और बीच में मैं एक दिन शिलोंग गई थी, तो शिलोंग से भी 3-4 प्लान में लाई हूँ। आपको तो पता है शिलोंग में काफ़ी ठंडा है, तो उधर 15-16 डिग्री चल रहा था, और इम्पेशन वगैरह बेगुनिया वगैरह बहुत अच्छा से चल रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये फार्न ऑलमोस्ट जल गया था, अभी रिकवर हो रहा है। ये दोनों फार्न ही जल गया था, अभी रिकवर हो रहा है। तो मैं कल एक्चुअली दूसरा काम से सिटी में ही गई थी, एक नर्सरी है जहाँ से मैं हमेशा लेवेंडर वगैरह में लाती हूँ, तो वहाँ पर होया मुझे मिलता है। और मैंने बोला था ना कि होया बाकी यहाँ पर कहीं नहीं मिलता है गुवाहाटी में, तो मैं पहले 2 होया लाई थी और फिर से मैं 2 होयाज लाई हूँ। और होयाज बहुत अच्छे हाउस प्लांट्स हैं, अगर आप बेल्कोनी वगैरह में रहते हैं तो आप इजीली ला सकते हैं। तो पहले ये देखिए, ये आपका एक होया मैंने रखा है, एक कुछ सकुलेंट है, और ये सारे प्लांट जो सामने रखा है ये मैंने रिसेंटली लिया है। तो मुझे अभी पता नहीं चल रहा कहाँ से शुरू करूँ, तो थोड़ा देखिए मैंने सेटअप पहले जैसा ही रखा है, और यहाँ पर थोड़ा मैं स्टैंड वगैरह के भी मैंने ऑर्डर दिया है, तो अगर आ जाए तो फिर थोड़ा सीजल होगा। अभी तो मैं धूप से बचाने के लिए ऐसे ही रख दिया है मैंने, और कुछ कुछ तो अभी तक सीजल किया भी नहीं है। और फिर ये देखिए इस साइड तक हो गया, फिर यहाँ पर जो भी प्लांट्स है ये मेक शिफ्ट है, क्योंकि वो पीछे आपको जो रबल्स जो टूटा हुआ ईंट वगैरह दिखाई दे रहा है वो इसीलिए है, क्योंकि अभी देखिए ये जो इन लोगों ने ये किया था ना, बनाया था, उसका कार्ड भी लगा हुआ है, अभी भी खोला नहीं क्योंकि ईद से जो मिस्त्री लोग या भी घर से आए नहीं। ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर सब जितने भी रबिश वगैरह है ये जमा करके रखे हैं, जो भी निकला था खोदने के बाद। फिर अभी ये क्लीन करेंगे मिस्त्री लोग आने के बाद। फिर ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग ग्रास लगा देंगे। फिर और जो भी प्लांट है वो तो रहेगा ही, जो परमानेंट प्लांट है, और टब वगैरह हटा देंगे और फिर यहाँ पर ग्रास लग जाएगा। तो वही प्लान है, और मैं चाह रही थी कि कंप्लीट होने के बाद ही दिखाऊंगी। तो
लेकिन अभी मिस्त्री लोग आ नहीं रहे हैं और ये जो भी देख रहे हैं ये सब मेकशिफ्ट ऐसे ही है। और ये देखिए अभी सुबह का बहुत सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि आप 8 बजे के बाद आप खड़े नहीं हो सकते, इतना धूप हो रहा है। तो ये अलमंडा अभी तक खिला नहीं है क्योंकि बहुत सुबह है। और एक कलर भी खिल रहा है येल्लो कलर का, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें 3 फ्लावर खिल रहा है। ये अभी थोड़ा पिंक दिख रहा है लेकिन खिलने के बाद ये थोड़ा येल्लो हो जाएगा, पूरा येल्लो हो जाएगा और काफ़ी बड़ा फ्लावर्स आता है इसमें। ये जो लोकल वेराइटी का लवेंडा जो मैंने एक बार लिया था ना 40 रुपीज़ या शायद उसमें जो दिखाया भी था आप लोगों को, ये वो वाला लवेंडा है। और फ्रेंड्स मैं ये वीडियो लाइक कोई एडिटिंग वगैरह करके नहीं दिखा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं एक्चुअली नेचुरली जो लुक है गार्डन का एक ही टेक में जैसा आता है वैसा दिखाना चाह रही थी। ये देखिए मिनी चांदनी भी यहाँ पर खिल रहा है। इसका तो ये पूरा सूख गया था क्योंकि इसको ये जगह जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो इसको पूरा वो जो पीछे आप देख रहे हैं ना काट वगैरह उसके पीछे रख दिया था। तो अभी थोड़ा रिकवर हो रहा है। और फिर देखिए लाइक इस पोर्शन में अभी मैं सीजल कर सकती हूँ लेकिन फिर से वो ग्रास वगैरह लगेगा। और ये देखिए चंपा भी बहुत सूख गया था, फिर मैंने इसको कल पॉटिंग किया। और ये देखिए जो पत्ता सूख गया था उसको निकाल दिया। चंपा के साथ एक प्लांट आया था, छोटा सा प्लांट लगा हुआ था, उसको मैंने ऐसे ही पॉलीबैग में दे दिया है। और फ्रेंड्स एक्चुअली आप लोग हमेशा मेरे लास्ट वीडियो में जो मेरे किटन देखे थे आप, 2 किटन उन दोनों का सडनली डेथ हो गया। तो मेरे पास 4 किटन थे, वो दोनों लाइक बहुत ही प्लेफुल थे और मेरे हर वीडियो में आते थे। और पिछले वीडियो अगर आप मेरा देखते हैं तो बहुत वो फाउन के साइड जो बैठी हुई थी वो दोनों सडनली, बहुत गर्मी था फिर सडनली खाना पीना बंद कर दिया। फिर मैंने बहुत बार डॉक्टर के पास लेके मैं गई लेकिन डॉक्टर ने कुछ वायरल इन्फेक्शन बोल के छोड़ दिया एंड सडनली बोथ ऑफ देम डाइड। उसी से भी मैं बहुत अपसेट थी और मैंने इसीलिए भी वीडियो लाइक नहीं बनाया और अपना जो प्लान परचेज था क्योंकि मेरा जब मन ख़राब होता है तो मैं प्लान्स थोड़ा ख़रीदने चली जाती हूँ और नर्सरी जाने से मेरा मन थोड़ा अच्छा होता है। तो वो सब मैंने इसलिए भी 2-3 बार मैं नर्सरी गई थी तो फिर, लेकिन मुझे मन नहीं हुआ कोई वीडियो बनाने का, मैं इतनी अपसेट थी। तो फिर चलो कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला का जो मर्जी है उसके ऊपर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पिछले वाला साइड मैंने आप लोगों को कभी नहीं दिखाया था अपने गार्डन का, मैं हमेशा इधर तक दिखाती थी। और ये देखिए ये जो बास्केट था ये एक्चुअली जो कैट्स का जो लिटर बॉक्स होता है वो एक पुराना सा था, उसमें मैंने छेद करके बहुत सारे वेराइटी लगा के प्लांट्स लगा दिए थे। कोलियस है, देखिए सदाबहार है, पर्सलन है इसमें, फिर रियो का प्लांट है और मैक्सिका पेटोनिया है। तो 2 कलर का कोलियस है आप देख सकते हैं। ये साइड में धूप थोड़ा पहले आता है, फिर इधर से अभी जो प्लांट्स आपका स्टार्ट हो रहा है राइट साइड से वहाँ से आपका पीछे बिल्डिंग है इसलिए धूप नहीं आता है। ये सब प्लांट मैंने कल पॉटिंग किया कुछ यहाँ पर। कुछ प्लांट्स है जो पहले मैंने अपने हॉल वीडियो में दिखाया था, ये ड्रेसिना वगैरह, और ये चंपा भी, ये प्लूमेरिया भी मैंने दिखाया था देखिए। तो ये सब मैंने पॉटिंग करके इधर रख दिया है लेकिन चंपा को मैं फुल धूप में लाऊंगी। और फिर ये देखिए ये सोंगो, ये विक्टोरिया प्लांट, ये धूप में पड़ा था और ये आधा जल गया था। फिर ये प्लांट देखिए, ये क्रिसमस कैक्टस है, ये कल मैं लाई हूँ, ये नया प्लांट है। और फिर ये ऑरेंज पाम वगैरह पहले ही आप लोगों ने देखा है। और ये बाजू में जो ये डेफनबेकिया का जो छोटा वाला है ये मैं कल लाई हूँ, ये आप लोगों ने पहले नहीं दिखाया था, मैंने हॉल में नहीं दिखाया क्योंकि मैं कल ही लाई हूँ। फिर ला के ये थोड़ा जला हुआ था फिर मैंने पॉटिंग कर दिया। फिर ये पाम भी मैं, ये 15 अगस्त को जो मैं नर्सरी विजिट में गई थी तब ये मैं लाई हूँ, इसको मैं इंडोर रखूँगी। फिर ये देखिए एग्लोनिमा आप लोगों ने पहले ही देखा है, मैंने हॉल वीडियो में दिखाया था। फिर ये भी एक साइड में पड़ा हुआ था बेचारा, मैंने मुझे पॉटिंग करने का लाइक तुम्हारा मन भी नहीं हो रहा था, मन खराब था और फिर वेदर भी बहुत गर्मी था। फिर ये देखिए ये डेफनबेकिया मैंने न्यू लिया है 15 अगस्त को जो मैं लाइक गई थी नर्सरी विजिट में। इसका डीप ग्रीन कलर का तो मैंने पहले ही दिखाया था और वीडियो के लास्ट में भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये न्यू लिया है मैंने और ये थोड़ा झुका हुआ सूखा हुआ लगा मुझे। तो मैंने इसको, ये शायद मुझे 100 का पड़ा था और वो पाम जो दिखाया मैंने वो 60 रुपीज़ का पड़ा था। तो ये दोनों मैंने पॉटिंग कर दिया इमीडिएटली कल शाम को ही। और ये देखिए क्रसंडा है शायद इसका नाम, ये अच्छा से चल रहा है, इसको शेड में रखना पड़ेगा। और ये चाइनीज़ एग्लोनिमा, ये वेराइटी भी मेरे पास नहीं था, ये भी मैंने 15 अगस्त का जो नर्सरी विजिट है उसी में लिया था। ये शायद 100 रुपीज़ 80 या 100 ऐसा कुछ पड़ा था।
और ये क्रॉटन देखिए, ये वो नर्सरी वाले 100 बोल रहे थे, मैंने शायद इसका 60 दिया है। ये काफ़ी बड़ा प्लांट है और बुशी प्लांट है, और इसका कलर मुझे बहुत वाइब्रेंट लगा, बहुत हेल्दी प्लांट था। ये बेंगलोर वेराइटी वाला क्रॉटन है। यहाँ पर क्रॉटन हम लोग का 20-25 से लेके आपका लाइक यू नो 80 रुपीज़ तक मिल जाता है, क्योंकि जो बेंगलोर वेराइटी का होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है प्राइस, और जो लोकल वेराइटी कम होता है। और ये एग्लोनीमा तो पहले वाला ही है, इसको सिर्फ मैंने पॉटिंग करके, इधर छाव है ना क्योंकि साइड में बिल्डिंग है, तो इससे छाव में रखा है क्योंकि गार्डन के अरेंजमेंट में कर नहीं पा रही थी। और ये फर्न और एक लिया है मैंने, पहले भी 2-3 दिखाया था। और ये देखिए, ये एग्लोनीमा का इसका सेम डिज़ाइन का एक बड़ा वेराइटी मेरे पास ऑलरेडी है बहुत दिनों से, लेकिन ये छोटा पत्ता वाला है। देखिए बहुत स्लिम पत्ता वाला, डिज़ाइन सेम है लेकिन पत्ते का साइज़ छोटा है। और ये है ओरियो, इसको शायद आप लोग उतना देखते नहीं है वीडियो में। ये मेरी सबसे लाइक यू नो पुरानी जो कैट है, ये लाइक घर की जो हेड ऑफ द फैमिली यही है ओरियो। फिर ये देखिए फिडल लिफ जो फाइकस लाइरेटा या फिडल लिफ पिक बोलते हैं जिसको, ये एक तो मेरे पास ऑलरेडी था और ये हमेशा मिलता नहीं है, तो मैं और एक बड़ा सा प्लान मुझे मिला, मैं लाई हूँ। और इसको भी सेरामिक, और ये जो ड्रेसिना आपने पहले देखा था, और ड्रेसिना को भी मैंने पॉटिंग कर दिया। दोनों को मैंने सेरामिक में इसीलिए दिया क्योंकि दोनों को, एक को मैं बरंदा में रखूँगी और फिडल लिफ को मैं बेडरूम में रखूँगी। फिर ये भी आप लोगों ने पहले देखा था। फिर ये देखिए जो हैंगिंग बास्केट में आपको जो बेगुनिया दिख रहा है, ये मैं न्यू लाई हूँ, ये मैं 15 अगस्त को लाई थी। इसको जो विंटर में इसको मैं आपको हैंगिंग में दूंगी, लेकिन अभी इसको अभी इसको ऐसे ही छाव में रख दूंगी। फिर ये देखिए जो मॉन्स्टेरा वगैरह मैंने लिया था, आज मैं इन लोगों को पॉटिंग करूंगी। ये पहले ही लिया हुआ है, इसमें एक फिनिक्स पम पहले लिया हुआ है, और फिर दो मुझे 20-20 रुपीज़ का मिल गया था परसों। तो 20-20 रुपीज़ में इतना बड़ा सा देखिए प्लान मिल गया, तो मैं 20-20-40 रुपीज़ में दो प्लान में लेके आ गई हूँ। और ये देखिए एग्लिफा है शायद इसका नाम, इसका ये ग्रीन वेराइटी मुझे मिला, तो ये भी मैं लेके आई हूँ, तो ये 20 रुपीज़ है। फिर ये 150 रुपीज़ में कुछ इंडोर प्लांट है, लेकिन इसका नाम पता नहीं है, कोई मुझे इसको क्रोकोडाइल फर्न बोल रहा था, बट आई एम नॉट श्योर, अगर आप लोगों को पता है तो बोलिएगा। और ये स्नेक प्लांट वगैरह तो पहले वाला ही है। और फिर क्रिसमस कैक्टस, एक्चुअली जो मैंने दिखाया आपको, मैं दो लाई हूँ और एक कहीं पर है, मुझे मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है एक्चुअली। और फिर ये मंकी ग्रास वगैरह भी पहले वाला ही है। हाँ, ये जो है ये इसका एक छोटा वाला ड्वार्फ वेराइटी पहले से मेरे पास है, लेकिन इसको मैं 15 अगस्त को लाई हूँ। ये कैलेथिया का ही एक वेराइटी है, ये ड्वार्फ वेराइटी भी मैं दिखाऊंगी लास्ट में वीडियो के। तो ये भी अभी छाव में मैंने रखा है, अपना जो एक ट्रॉपिकल एरिया है पहले मैंने वीडियो में दिखाया था, उसमें शिफ्ट करूँगी इसको। इसमें इसको मैंने काली पॉटिंग किया इसीलिए ऐसे रख दिया है मैंने इसको। और फिर यही, अभी कुछ सीजन नहीं है, ऐसे ही है, अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है, अभी पर्सलिन वगैरह खिलेगा। ये पैची है, पैची को आप लोग मिल चुके हैं पहले ही। तो उसके बाद इस साइड में भी मैंने ऐसे ही रख दिया है प्लांट्स, अभी ये लेमोनिया वगैरह, और ये देखिए ये चांदनी वगैरह भी खिल रहा है, लेकिन ये सब सामने जाएंगे क्योंकि इधर थोड़ा छाव आता है। तो और ये देखिए आपका पेंटस छुप के खिल रहा है, और थोड़ा बहुत ये ओलियंडर, वाइट ओलियंडर भी खिल रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बहुत ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। और बहुत सारे प्लांट्स में अभी मिलीबग भी हो गया हम लोग का इधर, क्योंकि ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज़्यादा होता है मिलीबग ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको मिलीबग भी दिखाऊंगी, और काफ़ी सारे प्लांट्स आप शायद देख भी पा रहे हैं। ये मुसंडा बहुत अच्छा फ्लावरिंग किया था, और ये जो फाइकस आपने देखा, ये एक बड़ा, एक्चुअली ये भी मैं नया लाई हूँ, ये 120 रुपीज़ में काफ़ी बड़ा है। ये एक्चुअली मैं बॉन्साई पर्पज़ में लाई हूँ इसका। और फिर ये देखिए, ये सोनचंपा बांदर ने तोड़ दिया, बहुत अच्छा सा फ्लावरिंग हो रहा था। फिर देखिए जहाँ जहाँ जो जो हिस्सा निकला मैंने ऐसे ही गाड़ दिया, और बहुत इजीली चंपा आपका बहुत इजीली हो जाता है कटिंग से। और फिर ये देखिए पोमेग्रेनेट का फ्लावर मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए अनार का इसमें फ्लावर आया है, लेकिन कोई बात नहीं, फ्रूटिंग नहीं होगा क्योंकि बांदर आके तोड़ जाएंगे सो लेकिन फ्लावर देख के अच्छा लगता है ना। और फिर यही पर्सनल वगैरह अभी स्टार्ट हुआ है खिलना, देखिए उस स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ये लोग खिल नहीं रहे थे क्योंकि धूप नहीं था, अभी धूप आ रहा है तो ये लोग खिलना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। पीछे एक्जोरा वगैरह भी है थोड़ा बहुत, ग्रीन लिली वगैरह देख सकते हैं आप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैंने क्या क्या प्लान न्यू लिया है उसी से।
तो इससे स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, ये एकदम पेपर थिन जैसा पतला, कागज़ से भी पतला एक प्लांट है। ये इंडोर प्लांट है, ये शेड लविंग प्लांट है। ये मुझे 60 रुपीज़ में मिला और ये देखिए थोड़ा जला हुआ था ऑलरेडी नर्सरी में, तो इसलिए मैंने इसको ला के कल रात को इसको पॉटिंग कर दिया और इसको मैं अभी अंदर लेके जाऊँगी। वीडियो बनाने के लिए मैं बाहर रखी हुई हूँ। और ये अरेलिया का ये वेराइटी मेरे पास नहीं था, ये इसी पॉट में लगा हुआ था और इन लोगों ने सिर्फ 30 रुपीज़ लिया मेरे से। तो काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है, ऐसे पॉट में लगा हुआ था नर्सरी पॉट में। और अभी मैं रिपोर्टिंग भी नहीं करूँगी तो, क्योंकि गर्मी अभी बहुत है और हम लोग के यहाँ बारिश उतना नहीं हो रहा है। लाइक नॉर्थ इंडिया में जितना बारिश हो रहा है, हम लोग के वहाँ अभी उल्टा हो गया। जून महीना में इतना बारिश हुआ, अभी बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बहुत ही ड्राई है। और दो होया मैं लाई थी, बोल रही थी ना, एक तो पहले दिखाया और ये और एक होया है। तो लाइक होया मैं इसीलिए कलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिनों से चाहिए था और फिर और नर्सरी में अभी ये लास्ट पीस ही बचा था। तो देख सकते हैं आप कितना जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। और एक्चुअली शिलोंग के जो लोग हैं, उन लोगों के वहाँ होया अच्छा होता है, तो वो उन लोगों के पास साथ डिमांड भी होता है। और ये एक फार्म में लाई हूँ, ये प्योरली इंडोर है, लेकिन ये 15 अगस्त के मैं लाई हूँ, शायद इसको अंदर ले जाना पड़ेगा। ये अच्छा से, जब मैं लाई थी इसका जो ग्लो था, अभी इसका ग्लो थोड़ा कम हो गया है, तो आई डोंट नो ये मेरे यहाँ सर्वाइव करेगा कि नहीं। ये नर्सरी में तो पूरा पॉली हाउस में था, तो मैं इंडोर लेके भी लाके देखूंगी क्या होता है। फिर ये देखिए एक बहुत बड़ा सा, कितना बड़ा सा, एक एचेवेरिया है शायद। एचेवेरिया में एक लाइव 100 रुपीज़ में, वो फांड 150 का था। फिर ये देखिए स्ट्रिंग ऑफ हार्ट इसको बोलते हैं, ये इतना छोटा सा प्लांट, ये मिलता नहीं है इजीली, ये 100 रुपीज़ लिया है। ये सब मैं जब जो याद आता है, ये मैं भूल गई थी कि मैं लाई हूँ, जो जो याद आ रहा है मैं आपको बोलती जा रही हूँ। और फिर बाकी तो जो अब पहले जो देखते थे गार्डन वैसा ही है। और फिर ये जो होयाज मैंने रखा था, ये होया 350 वाला है, पहले भी 350 दिया था मैंने। और ये आपका ये नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप, ये अब ये देखिए इसका होया का ग्रोथ बहुत अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। और ये इंडोर बहुत अच्छे से हैंगिंग में चलता है। ये देखिए, ये कोई साकुलेंट है, पेपरमिया का वेराइटी है मुझे लगता है। तो ये बहुत भरा हुआ टॉप मुझे, लाइक यू नो, इसका टूटा हुआ हैंगिंग है, लेकिन ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये 100 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा डील लगा। और ये स्ट्रिंग ऑफ बनानास है मुझे लगता है, तो लेकिन इसका जो ये स्टेम है वो पर्पल है, तो वो क्यों है मुझे पता नहीं है। मेरे पास जो पहले वाला स्ट्रिंग ऑफ बनाना था उसका ग्रीन था स्टेम, इसका पर्पल है। और ये भी मुझे 100 रुपीज़ में पड़ा है। तो आप बोलिएगा फ्रेंड्स कि कैसा लगा आप लोगों को। और फिर अब भी चलते हैं, जो प्लांट्स मैं न्यू लाई हूँ कल रात को वो दिखाती हूँ। ये पहले देखिए बड़ा सा ह्यूज जनाडू है, मेरे पास छोटे पत्ते वाला जनाडू दो है, दो कलर का, एक ग्रीन और एक येलो। लेकिन इसका लीफ का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। और ये एक ऑलरेडी टब में लगा हुआ बहुत ही बड़ा एक प्लांट है और ये मुझे 300 का पड़ा है, जो मुझे लगा बहुत ही रिजनेबल है। तो ये 600 बोल रहे थे, लेकिन मेरे पहचान के नर्सरी है, तो लाइक और देखिए कितना लाइक नीचे से भरा हुआ है और कितना न्यू ग्रोथ वगैरह है। और मैं बहुत सारा न्यू प्लांट्स भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करूँगी। ये मेरा जो ऊपर वाला बेडरूम है उसमें मैं रखूँगी, वहाँ पर ईस्ट फेसिंग विंडो है, तो उसमें अच्छा से लाइक सुबह का 1 घंटे का धूप भी आ जाएगा। उसके बाद ये एक हिबिस्कस मैं लाई हूँ, एक्चुअली रिसेंटली मैं 3 हिबिस्कस लाई थी। इस ये ग्राफ्टेड है, यहाँ पर कहीं पर ग्राफ्टिंग किया हुआ है, दिखाया था तो कल मुझे, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। ये इसमें दो कलर का फ्लावर आता है, एक पिंक और एक येलो, और येलो भी बहुत प्यारा था जब कल खिल रहा था। तो ये मुझे 150 का पड़ा है। ऐसे हिबिस्कस मैं 60-70 में देती हूँ क्योंकि मैं पॉली बैग में लाती हूँ। ये टब में लगा हुआ था। और फिर देखिए ये पेपरमिया का, ये ऑलरेडी है मेरे पास एक, जो मैं लाई थी वो 80 में लाई थी और फिर ये मुझे 50 में मिल गया। फिर ये युक्का और एक मैं लाई हूँ, पहले वाला युक्का देखिए ये इधर पॉटिंग किया हुआ है, जो मैंने दिखाया था पहले वाले वीडियो में। और ये वाला युक्का मुझे युक्का प्लांट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही हार्डी होता है और कोई केयर वगैरह नहीं चाहिए। तो ये भी मैं 120 में लाई हूँ। फिर इसका नाम मुझे पता नहीं है, ये मुझे ऐसे ही दे दिया नर्सरी वाले ने, लीफ देख के मुझे बहुत पसंद आया। फॉलिएज प्लांट था, मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है, सो ये ऐसे ही दे दिया।
ये एक्लिफा नहीं है शायद, और वो जो मनी प्लान मैंने पहले दिखाया था जिसको अभी तक पॉटिंग नहीं किया, उसी का और एक प्लान मुझे ये भी ऐसे ही दे दिया, क्योंकि मैंने काफ़ी कल मैंने 4000 ऐसा का शॉपिंग किया था, तो मुझे दो प्लान ऐसे ही दे दिया। फिर ये मॉन्स्टेरा का और एक, मैं अभी मॉन्स्टेरा कलेक्ट कर रही हूँ शायद आपको याद है, तो ये मॉन्स्टेरा का एक टोटली डिफरेंट वेराइटी है, तो ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला, तो जो काफ़ी रिजनेबल है, काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है। तो ये इन सब का अभी मैं वीडियो बनाने के बाद पीछे जो आप एरिया देखा है उधर मैं शिफ्ट करूँगी, क्योंकि सामने बहुत धूप अभी स्टार्ट ही हो गया धूप आना। फिर ये सिंगोनियम का भी मेरे पास, आप एक सिंगोनियम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था तो देखा था आपने कि काफ़ी सारे वेराइटीज़ हैं, लेकिन ये देखिए कितना पतला सा और ये ना पत्ता है, तो और काफ़ी अच्छा प्लांट है, तो मैंने इसको 50 रुपीज़ में ले लिया। फिर ये देखिए, ये स्टार ऑफ द इवनिंग है शायद, ये एक मेरे नर्सरी वाले विजिट में मैंने ये प्लांट आप लोगों को दिखाया था, लेकिन मैंने लिया नहीं था क्योंकि वो 900 बोल रहा था, ये इधर मिलता भी नहीं है और एक ही पीस बचा हुआ था। तो फिर मैंने लास्ट में देखिए कितना पत्ते का साइज़ मेरे हाथ का 3 times होगा मेरे हाथ का साइज़ का, इतना बड़ा है ये। ये टॉप में लगा हुआ है और ये आपका 600 में मुझे लास्ट में दिया है, और इसका वेरिएशन का डिफरेंस देखिए, ये नीचे के वाला देखिए इसमें धूप कम आता है तो ये कितना अच्छा वेरिएशन हो रहा है। तो इसका नाम मुझे पता नहीं है और नर्सरी वाले भैया को भी पता नहीं था, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं टेम्प्ट हो गई और 600 में मैंने ले लिया ये। आप बोलिएगा कि कैसा लगा और प्राइस भी कैसा लगा। फिर ये भी एक प्लांट है, ये उन लोग का एक ही बचा था और ये लोग मदर प्लांट बोल रहे थे फिर, लेकिन मेरे पहचान के हैं तो मैंने रिक्वेस्ट करके ले लिया। तो इसका भी वेरिएशन बहुत सुंदर है और काफ़ी बड़ा प्लांट है, तो इसका ये मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला है, जो बहुत ही अच्छा डील है मेरे हिसाब से। तो इसका भी नाम पता नहीं है, ये भी पॉली हाउस में था तो उस हिसाब से ये सब इंडोर प्लांट्स हैं, हिबिस्कस को छोड़ के बाकी सारे, हिबिस्कस और जो मैंने जो तो एक प्लांट दिखाया था ना अभी रेड पत्ता वाला, उसको छोड़ के बाकी इंडोर है। और देखिए ये चाइना पाम मेरे पास ऑलरेडी दो है, छोटा छोटा है, लेकिन मुझे एक बड़ा वाला चाहिए था, तो ये ऑलरेडी टब में लगा हुआ है और 120 रुपीज़ में टब विद बड़ा सा टब, और कितना हेल्दी प्लांट, तो मुझे आई थॉट कि बहुत रिजनेबल है तो मैंने ले लिया ये भी। और ये देखिए ये एलोकेशिया का एक वेराइटी है, एक ही प्लांट बचा था और इसका हालत उतना अच्छा नहीं है, एक लीफ है और एक लीफ आधा किसी कीड़े ने खा दिया है शायद, तो 50 रुपीज़ में मैंने ले लिया क्योंकि मुझे पता है कि ये ठीक हो जाएगा। फिर ये कोलियस का, ये कोलियस का भी सीज़न आ रहा है और ये कलर मेरे पास है नहीं, तो ये कोलियस भी मैंने लिया है। और ये देखिए ये एक फर्न है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ, मैंने सोचा था कि ये बार्डनेस फर्न है तो, क्योंकि बार्डनेस फर्न तो मेरे पास ऑलरेडी एक है, तो फिर लेकिन वो भैया बोल रहे थे नहीं ये बार्डनेस फर्न नहीं है, और हाँ इसका बिलीव एक्चुअली बार्डनेस फर्न से काफ़ी मोटा है, तो ये उन लोगों ने 200 लिया है और मैंने दिया है इसीलिए क्योंकि मैंने कहीं पर इसको नहीं देखा और ये काफ़ी रेयर मुझे लगा एटलीस्ट मेरे सिटी के हिसाब से, तो फिर मैंने दे दिया। और ये दो अभी मेरे 4 किटन थे ना, अभी पैची एंड लिटली है तो ये लोग खेल रहे हैं। तो फिर और देखिए ये वाला सबसे बड़ा प्लान देखिए, अभी पीछे जो दिखाया था 60 रुपीज़ वाला वो ही पाम है, लेकिन वो छोटा वाला था और ये बड़ा वाला है। इसको मैं एक्चुअली ज़मीन पे दूंगी, जहाँ पर ग्रास लगाऊंगी बोली हूँ ना उधर मैं इसको दूंगी, ज़मीन पे देने के लिए मैं कुछ प्लांट अभी इकट्ठा कर रही हूँ। तो ये 400 का पड़ा है मुझे, काफ़ी हेल्दी काफ़ी अच्छा प्लांट है, और आप बोलिएगा आपको कैसा लगा ये प्लांट। ये और एक ये वाला प्लांट भी मैं लाई हूँ, देखिए इसका भी नाम मुझे पता नहीं है, ये वाला इस पर था काफ़ी काटे हैं, और ये देखिए इसका भी नाम मुझे पता नहीं, ये भी पाम का कोई वैरायटी है, तो ये भी मैं ज़मीन पे दूंगी सोचिए। तो मैंने बोला था ना आप लोगों को थोड़ा लैंडस्केपिंग के बारे में भी मैं प्लान कर रही हूँ, तो अभी देखते हैं कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये कल वाला शॉपिंग तो मुझे मैंने कल किया था सो मुझे याद है, और बाकी मुझे पता ये जो लेवेंडर आप देख रहे हैं ये भी मैंने पिछले कोई हॉल में शायद दिखाया था, बाकी इधर मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है बेगुनियास वगैरह, क्योंकि इस साइड धूप थोड़ा कम आता है और अभी मेरा एम है कि धूप से बेगुनियास को थोड़ा सेव किया जाए। और ये देखिए एक डायन था सभी भी खिल रहा है पिछले साल का, और ये देखिए फिलाडेंड्रन ब्राज़ील जिसको बोलते हैं। तो ये अभी अरेलिया वगैरह देखिए शेड लविंग प्लांट्स मैंने इस साइड रख दिया है सारे। और हाँ ये मैं भूल गई थी, ये देखिए ये बेगुनिया, देखिए मैं शिलोंग गई थी ना
उधर से वो इम्पेशन मैंने जिससे वीडियो स्टार्ट किया था वो इम्पेशन, इसलिए दो इम्पेशन में लाई हूँ और दो बेगुनिया। देखिए कितना प्यारा प्लांट है, ये दो बेगुनिया में लाई हूँ। लग के पहले दिन मैंने धूप में रख दिया था तो देखिए एक लीफ इसका सूख गया अब, लेकिन कोई बात नहीं अभी नीचे से देखिए ग्रोथ हो रहा है। तो ये चार प्लांट मिला के मैंने आई थिंक दो इम्पेशन और दो बेगुनिया, इम्पेशन काफ़ी बड़ा दो प्लांट था, उसमें से एक बहुत अच्छे से चल रहा है लेकिन एक क्यूज नहीं चल रहा है पता नहीं मुझे, तो मैंने 300 दिया था। और फिर ये साइड अभी अरेंजमेंट बाकी है, और ये जो बड़ा वाला डिफरेंट बेकिया जो दिखाया था मैंने आप लोगों को कि लाई थी, ये इधर मैंने रखा है। और फिर इधर सिंगोनी, और ये वाला देखिए ये जो एग्लोनिमा मैंने अभी छोटा वाला दिखाया था ना जो मैं लाई हूँ, बड़ा वाला पीछे दिखाया, सेम डिज़ाइन है। फिर ये देखिए वो जो कैलेथिया मैंने दिखाया था, दो कलर है, ये जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इसमें तीन कलर है, इसको ट्राइस्टार बोलते हैं लेकिन उसको क्या बोलते हैं मुझे वो पता नहीं है। तो ये देखिए ये सेकंड वाला इम्प्रेशन, ऐसे टाब में मैं लाई थी लेकिन क्यों ये सूख रहा है मुझे पता नहीं है। एक ही साथ दो प्लांट लाई हूँ, एक इतना अच्छा से चल रहा है और एक सूख रहा है, तो मैंने इसको अभी इधर रखा है। फिर देखती हूँ, मुझे नहीं लगता ये सर्वाइव करेगा बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिर इस साइड ये देखिए श्रिम्प प्लांट वगैरह थोड़ा फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन प्लांट स्टैंड आ जाए तो थोड़ा सीजल हो जाएगा। और ये देखिए जो जनाडू मेरे पास था ऑलरेडी, तो ये छोटा पत्ता वाला है देख सकते हैं, और जो आज मैं लाई हूँ बड़ा, जो काफ़ी बड़ा पत्ता है। और ये देखिए ये सब बहुत जल गया था जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अभी तो देखिए काफ़ी पत्ते आपको जले हुए देखेंगे, अभी रिकवर हो रहा है। और इसीलिए मैंने इस सबको इसी ग्रुप में एक ट्रॉपिकल सा जोन बना के अभी ग्रुप में मैंने इन सबको रख दिया है ताकि ये थोड़ा रिकवर हो जाए। और एंथुरियम वगैरह अभी फ्लावरिंग चल रहा है इन लोगों का, और अभी थोड़ा रिकवर हो भी चुका है, स्टिल थोड़ा टाइम चाहिए, और बारिश वगैरह होने से अच्छा था लेकिन बारिश नहीं हो रहा है हम लोगों का। ये भी जनाडू का और एक कलर है। फिर ये देखिए कैलेथिया जो मैं लाई पिछले बार दिखाया था मैंने, इसमें इसको मैंने दो प्लांट बना के पॉटिंग कर दिया है और अच्छा से चल भी रहा है। और बाकी ये देखिए ये तो पहले वाला आईवी है, इसमें एक फांड कहाँ से आ गया पता नहीं है। बाकी ये सब ऐसे, ये देखिए ये जो पिछले बार मैं लाई थी फांड, ये लोग इसको थोड़ा ख़राब कर रहे हैं पैची, तो इसको अभी मैं थोड़ा छुपा देती हूँ, नहीं तो ये लोग इसीलिए ये टेढ़ा हो गया पता है, एक साइड ये लोग हमेशा खींचते रहते हैं। पहले इसको मैं एक्चुअली स्टैंड जो मेरा प्लांट स्टैंड है उसमें दे दूँगी, तो अभी ऐसे ही कर दिया मैंने। बाकी अभी सब मेरा एम है कि धूप से इन लोगों को बचा दूँ। और ये एलोकेशिया जो फर्स्ट वाला, दो मैं प्लांट लाई थी ना, ये फर्स्ट वाला जो मिट्टी का टेराकोटा में देके मैंने बाहर रखा है, इसमें देखिए कितना सारा पत्ता आ रहा है, क्योंकि इन लोग को ये ट्रॉपिकल प्लांट्स है तो इन लोग को मॉइस्चर बहुत पसंद है, तो ये इंडोर से भी अच्छा रहते हैं अगर ऐसा मॉइस्चर एरिया क्रिएट कर दिया जाए तो। उसके बाद बाकी तो एज यूजुअल चल रहा है, ये देखिए ये फ्लावरिंग वगैरह हो रहा है, और फिर अरेलिया वगैरह ये सब मैंने ऐसे ही मेकशिफ्ट रखा है, कोई परमानेंट नहीं रखा है। और ये देखो जो बटन फंड मैंने लिया था ना लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया था, उसको भी मैंने पॉटिंग कर दिया है। फिर अभी ये पर्पल हार्ट में भी फ्लावरिंग हो रहा है, ये कितना क्यूट है। और फिर बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है, ये कोलियस वगैरह अभी थोड़ा धूप कमती होने से ये अच्छा हो जाएगा। और फिर ये देखिए इस ये हिबिस्कस है, इसमें आपका देखिए मिलीबग का कितना अटैक हो गया, इसको शाम को मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसमें मैं नीम ऑयल और साबुन मिक्स करके इसको मैं इसमें स्प्रे करके अच्छा से धो दूँगी, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्लांट का देखिए फ्लावर का साइज़ छोटा हो गया और प्लांट भी काफ़ी लैगी हो गया है। और भी कुछ कुछ प्लांट्स मैं लाई हूँ, और एक हिबिस्कस लाई हूँ लेकिन अभी कहाँ रखा है मुझे पता नहीं चल रहा है। और फिर बाकी तो ये एरिया जब ठीक हो जाए उसके बाद थोड़ा सोच सकते हैं लैंडस्केपिंग के बारे में। और ये हिबिस्कस देखिए अच्छा से चल रहा है, ये इसमें कोई अटैक वगैरह नहीं हुआ है। और ये कल तीन फ्लावर खिला था, आज एक खिल रहा है। और मैं पेपर ये देखिए दूर से आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये लोकल हिबिस्कस है, इसमें देखिए कितने सारे फ्लावर हो रहा है। और ये देखिए प्लूमेरिया है पीछे, अभी ये इतना ख़राब हालत हो चुका है उधर जा नहीं सकते इसलिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। और फिर ये देखिए ये सब रजनीगंधा वगैरह अभी फ्लावरिंग होकर ख़त्म भी हो गया है। और मुझे ये लाइक दो ही हिबिस्कस मैंने लाइक एक साइड में रखा है, कहाँ रखा है अभी न्यू लिया है मैंने, और लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। ये एक तो ये देखिए
एक पाम के नीचे पॉटिंग कर दिया है मैंने, हाँ ये याद आ गया। और ये देखिए पर्सिलन वगैरह कितना अच्छा से खिल रहा है। और मैंने एक पेपर मिया, एक न्यू वेराइटी ऑफ स्नेक प्लांट और एक साकुलन मैंने लिया है, कल लिया है, वो तीनों मैंने अंदर रखा है। अभी ये वीडियो बनाने के बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो वो ये देखिए, ये पेपरमिया मैंने कल लिया है। मैं जो ग्रीन वाला पेपरमिया मेरे पास ऑलरेडी एक है, लेकिन उसका लीफ का कलर थोड़ा डिफरेंट है और इसका कलर नहीं, सॉरी डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है और इसका थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है। तो और ये देखिए, ये सकुलेंट मैंने लिया है, ये थोड़ा ओवर वाटरिंग हुआ था नर्सरी में, लेकिन देखते हैं क्या ऐसा चलता है। ये 100-100 में मैंने लिया है। और फिर एक स्नेक प्लांट मैंने लिया, ये देखिए टोटली डिफरेंट वेराइटी का स्नेक कलर का स्नेक प्लांट है, ये भी ड्वार्फ वेराइटी का है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो आज का पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।